दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। अरे हम लोग तो पितृ पूजन के लिए गए थे। सृष्टि बहू घर से कहाँ है बे? मोस्टली किताबें फैली पड़ी हैं। सच सच बताओ, हरिनगर से कोई लड़की उठायो? समझ में आया कि आप दोनों भी पति पत्नी हैं। ये तुमको पता है कि मैं रागिनी का पति? हाँ। लेकिन जब अभिमन्यु को पता लगेगा तो क्या होगा? बैंड बजेगा। अभी तक नाराज है मुझसे? पिंकी, पापा को बोलो ना कि साथ में चले। अब आप जब चाहे हमें देख सकते हैं Z5 पर। देखिए 12 भाषाओं में टीवी शोज, मूवीज, ओरिजिनल शोज और भी बहुत कुछ। डाउनलोड कीजिए Z5, क्योंकि अपनी भाषा में फील है। बताइए ना सबको, आपकी शादी किसके साथ हुई है? हमसे हुई है इनकी साथी। वो हमारे हस्बैंड और हम उनकी वाइफ हैं। भोला सिंह अभी भी हमारी गिरफ्त से बाहर है। मैडम जी, भैया जी ने आपको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और आपने भैया जी को ही अरेस्ट करवा दिया। हमको ना एक उपाय आया है सृष्टि के लिए। एक बॉडीगार्ड रखते हैं ना, 24 घंटा साथ में रहेगा, सुरक्षा करेगा। बॉडीगार्ड? मैंने अभिमन्यु को सिर्फ आधा सच बताया है, लेकिन पूरा सच तो तुम भी बता सकती हो। क्यों नहीं बताया तुमने? हम का बताते उस? तुम बता देती कि तुम्हारे मिस्टर जी यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। क्यों नहीं बताया तुमने? जल्दबाजी में ना बैंड पार्टी वालों का इंतजाम करना भूला गए। अब अगर शादी में पिपरी नहीं बजेगा तो माहौल जमेगा नहीं ना। हम चाहते हैं कि माहौल तुम जमाओ। यस, दिस इज ब्यूटीफुल। इसकी जो चमक है ना, बिल्कुल आपकी आंखों की चमक की तरह है। दिस इज फॉर यू। विजयी पहलवान की घोषणा सृष्टि बहू करेगी। इस मुकाबले के विजेता हैं आदमी। कौन आ गया? कौन अखाड़े से हो भाई? तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? अरे हमारे भैया का कोई गुरु वुरु नहीं है, वो खुद ही गुरु का गुरु है। ऐसा है भैया के प्रतियोगिता में देर से आने के लिए हम सबसे माफी चाहते हैं। अरे वो कल भी एक भैया का जबरदस्त मुकाबला था ना, उसी के जीतने के बाद मलम पट्टी कराने लग गए थे, तो उसी में थोड़ा टाइम लग गया। अब विद्वान जी, ऐसा है कि हम भी प्रतियोगिता में ना भाग लेना चाहते हैं, सृष्टि मैडम के बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं, अगर आप लोग इजाजत दे तो। कहाँ करें भैया? अगर ऐसा है बिटवा, तो तुम ये मुकाबला जीत के दिखाओ। आपका आशीर्वाद रहेगा ना तो जीत के भी दिखा देंगे। ये राउंड का जो विजेता लोग है वो अगले राउंड में जाएगा और कुश्ती करेगा, उसमें से जो जीतेगा वो फाइनल राउंड में कुश्ती होगा, और जो इस पूरे राउंड का विजेता होगा वो हमारा सृष्टि बहू का बॉडीगार्ड बनेगा। समझ गए? ओह नो, अब क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं तो कहता हूँ रहने दो। अभिमन्यु बेटा, कोई बात नहीं बाबूजी, बुरा लग गया होगा। अब बाबूजी मुझे लगता है कि अब वो नहीं आएंगे। क्या है ना, इंसान है, दिल है, बुरा लग गया होगा, है ना? अब रागिनी, इयररिंग इतनी टाइट थी तो वैलेंटाइन डे वाले दिन उतार देनी चाहिए थी। तुमने पहन के क्यों रखी? अब उतर नहीं रही, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ
हमको लगता है जो बीरू पहलवान है ना, ये बहुत ताकतवर है। अब हार गया ही तो टीम का ना गलती है, इसको एगो मौका आरो मिलना चाहिए ना। भैया क्या कहते हैं? रिया बात तो सही कर रही है। तुम अपनी बहन को नहीं जानते हो? हाँ। एक बार जो सोच लेती है ना वो करके ही मानती है, समझे? वो तो है ही। अब रागिनी सिंह के जबान का कीमत तो जान से ज्यादा कीमती है, पर अभिमन्यु बाबू भी बहुत सीधे आदमी है। और फिर तुम आज उनके साथ स्पेशल डिनर पे जा रही हो, तो कुछ ऐसा करना कि यूं तुम्हारे फैन हो जाए। का ऐसा करे कि इंप्रेस हो जाए? अब हम तुमको कैसे बताएं भाई, हमारा मतलब ये है कि अभिमन्यु बाबू है ना, इनके घर वाले बड़े ही अंग्रेज टाइप के लोग हैं। सूटेड बूटेड, टाई वाई, छुरी काटा सिखाने वाले लोग, और उसकी तैयारी तुम्हें अभी से करनी होगी। ए, करोगी ना अभिमन्यु जी को इम्प्रेस, दिखा दो कि रागिनी सिंह भी क्या चीज है। I love this statue. Very nice. इसे देख के एक बात कहने को मन करता है। अब बात तो पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बात कहने लायक है। हाँ तो बोलो ना। दरअसल जो मैं नहीं कर पाया ना वो आप जरूर कीजिएगा। मतलब रागिनी को थोड़ा प्यार से ट्रेन कीजिएगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि रागिनी इधर गांव में पली पड़ी है ना, शहर के तौर तरीके उसे यू नो यहाँ के मैनर्स, यहाँ के एटिकेट्स वो सब नहीं आते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है। अब मुझे तो उसकी ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, बट क्या है ना कभी कभी इट डजंट लुक नाइस यू नो। अब ऐसा भी नहीं है कि वो नई नई चीजें समझने की कोशिश नहीं करती, कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश में ना कभी कभी वो गड़बड़ कर देती है। अरे एक बार पता क्या हुआ, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स बुलाए थे, उनके बीच में उसको लेके गया तो कितना एम्बेरसमेंट फील हुआ। अब वो क्या है ना, उसकी आदतें बहुत अलग है बेसिकली। अब समझिए कि अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में उसे लेके गए खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, तो वहां जाके वो इस तरह यूं चौकड़ी मार के बैठ जाए, और फिर वहां का डिसेंट म्यूजिक बंद करवा के अपने फोन में कुछ भोजपुरी गाने लगवा दे और नाचना भी शुरू हो जाए भाई, और उसके बाद लिट्टी चौखा ऑर्डर कर दे, और लिट्टी चौखे के साथ पालक और मेथी के पराठे, यू नो उनके मुंह पे डिपेंड करता है ना। अगर उनका मूड अच्छा नहीं हुआ ना तो 5 मिनट में 5-स्टार होटल को कालू का ढाबा बना दे, और उसे जब सबसे जरूरी बात तब करनी होती है जब उसके मुंह में बड़ी सी लिट्टी चौखे वाली बाइट हो। और हाँ एक बात और, उसे खाना खाते समय ना बात करने की बहुत आदत है। मतलब सबसे जरूरी बात उसे तब याद आएगी जब उसके मुंह में जब बोला डॉन को पुलिस नहीं रोक पाए तो आपका ये पहलवान क्या रोकेगा, समझे? क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, आप लोगों ने जबरदस्ती दूल्हा उठाया था ना, अब मैं जबरदस्ती दुल्हन को उठाऊंगा, और वो भी सबके सामने। अब मैं भी देखता हूं बाबूजी कि ये सगाई होती कैसे है। कंस के अत्याचारों को सदा के लिए समाप्त करने हेतु कान्हा ऋषि गर्गाचार्य के समक्ष बताते हैं कंस के वध का अपना निर्णय। गोकुल और वृंदावन पर आने वाले संकटों का कारण एक ही है, कंस। अब पापी कंस के पापों का घड़ा भर चुका है गुरुदेव, अब वो समय आ गया है जब पापी कंस के पापों का अंत होगा। और देखिए वो मैं अमरे अम्मा जी का हार भी है, उनको संभाल के रखिएगा। हमको पता है कि आप सारे गहने वापस लाकर हमको दे देंगे। जब लेके जाऊंगा तब दूंगा ना भाभी जी, मैं कैसे दूंगा जब मैं लेके नहीं गया तो? अल्लाह जी के भैया, देखिए अगर आप हमरे अम्मा जी का हार लेकर आए और हमरे गहने लेकर आए और वो चोर को पकड़ लिए ना, तो हम लड्डू के भैया से बोलकर आपको पूरे 10,000 का इनाम दिलवाएंगे। हाँ
कितना भी छटपटा ले कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से निकलने की तेरी सारी की सारी कोशिश ना खरी रह जाएगी। तू एक काम कर, चुपचाप बैठी रह, थोड़ी देर में ना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तन्नैया क्यों लाया गया सर। मैं थारे को चुनौती देता हूँ, तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ और मारे को हरा के दिखा। अगर तूने मारे को हरा दिया ना तो मैं तेरे को कभी अपनी शक्ल ना दिखाऊंगा। अगर हाँ यो मुकाबला मैं जीता तो तितली मारी हो जाएगी। अरे अरे सुन, मन ने तेरी यह चुनौती स्वीकार से है।